अगेन आई एम बैक विद चाप्टर टू सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चाप्टर टू फॉर क्लास सिक्स दैट इज मैंटेनिंग योर कम्प्यूटर आज हम लोग चाप्टर टू स्टार्ट करेंगे कम्प्यूटर का मेंटेनेंस करना कैसे ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है ठीक है सो विल स्टार्ट विद द चैप्टर चाप्टर नेम इज़ मेंटेनिंग योर कंप्यूटर तो मेंटेनिंग योर कंप्यूटर इज एन इंपॉर्टेंट एज मेंटेनिंग योर कार और फेवरेट टॉयज जिस तरह से मेंटेन करना मेंटेन करने का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का ख्याल रखना उसका साफ़ सफाई करते रहना उसका देखभाल करना इसको हम लोग मेंटेनेंस कहते हैं ठीक है तो हम लोग को कंप्यूटर का भी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है ठीक है हम लोग तो मम्मी लोग कंप्यूटर को पोछ देती है कपड़े से अगर गंदा हो जाता है तो उसको उसमें उसको डस्ट को क्लीन कर देती है लेकिन कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पार्ट जो होता है कंप्यूटर का अंदरूनी जो मेमोरीज़ वगैरह होता है उसको मेंटेन करना आज हम लोग सीखेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है ठीक है और मेंटेनेंस जो होता है ये दो तरह का मेंटेनेंस होता है एक होता है रिस्टोरिंग सिस्टम और दूसरा होता है डिस्क क्लीनअप। वैसे कंप्यूटर विंडोज सेवन में बहुत सारा मेंटेनेंस एप्लीकेशन दिया गया है इसको हम लोग यूटिलिटी एप्लीकेशन कहते हैं ठीक है इट इज दिस एप्लीकेशन आर टू कीप योर कंप्यूटर इन वर्किंग कंडीशन एंड इट रिक्वायर्स ओकेशनल मेंटेनेंस यूजिंग यूटिलिटीज लाइक डिस्क क्लीन एंड डिस्क डिफ्रैगमेंटर दैट आर बिल्ड इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आर इजी वे टू कीप यूटर रनिंग एफिशियंटली यहाँ पे बहुत सारा टूल दिया हो गया है maintenance utilities कहें या maintenance tools कहें, बहुत सारा दिया गया है ठीक है जैसे पहला है कंप्यूटर मेंटेनेंस ठीक है डेस्क क्लीनअप यह सारा चीज है कंट्रोल पैनल डिसडिफेगमेंटर इवेंट व्यूअर इंडेक्सिंग ऑपरेटर्स मेमोरी डायग्नोस्टिक टूल्स सर्विसेज सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम री स्टोर जो आज हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम री स्टोर इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे फिर और नेक्स्ट है सिस्टम फिर और भी है फायर वॉल ये सब एंटीवायरस की तरह काम करता है तो ये सारा चीज़ आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मेंटेनेंस किया जाता है तो सबसे पहले सिस्टम को मेंटेनेंस करने के लिए हम लोगों को एक सिस्टम री स्टोर पॉइंट का बनाना पड़ता है ठीक है ये सिस्टम री स्टोर पॉइंट का मतलब क्या होता है सबसे पहले हम लोग को ये समझ लेना है उसके बाद ही हम लोग इस प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे सिस्टम री स्टोर करने का एक होता है कि कंप्यूटर टाइम टू टाइम अपने मेंटेनेंस का डेट को फिक्स करके रख लेता है कि हाँ लास्ट टाइम हम लोगों ने इतना तारीख को हम लोगों ने अपने कंप्यूटर को मेंटेन किया था और कंप्यूटर सही था ठीक ठाक से चल रहा था ठीक है नेक्स्ट टाइम अगर हमारे कंप्यूटर में कभी कोई गड़बड़ी हो जाता है तो अगर हम लोग री स्टोर पे पर जाकर के क्लिक करते हैं तो वो अपने लास्ट डेट जब वो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और उस समय जो कंप्यूटर का स्टेटस था उसी स्टेटस में कंप्यूटर को वापस री स्टोर कर देता है और जो भी चेंजेस उसके बाद हुआ है उन सारे चेंजेसों को हटा देता है डिलीट कर देता है क्लीन कर देता है जिससे वजह जिससे वो अपने बैक डेट वाले री स्टोर पॉइंट पर जाके एडजस्ट हो जाता है और फिर उसी तरह से उसी दिन के जैसा काम करना शुरू कर देता है री स्टोर पॉइंट हम लोगों को क्रिएट करना पड़ता है कंप्यूटर में वो अपने आप ये काम नहीं करेगा उसको हमको बताना पड़ेगा कि आपको ये रीस्टोर पॉइंट पे जा करके अपने आप को रीस्टोर करना है हर समय कंप्यूटर अपना एक री स्टोर पॉइंट बनाता है लेकिन ये हर उस समय बनाता है जब आप कंप्यूटर के इंस्टॉलेशन प्रोसेस में कोई चेंजेज करते हो ठीक है आपका कंप्यूटर में अगर कोई इंस्टॉलेशन प्रोसेस का चेंजेस हुआ है जैसे कि आपने अगर कोई प्रोग्राम इंस्टॉल किया हो या अनइंस्टॉल किया हो या आपने कोई डिस्क क्लीनअप वाला काम किया हो कंप्यूटर का मेमोरी को क्लीन किया हो तो जैसे ही ये सब काम करते हैं और कंप्यूटर ठीक ठाक से चलता है तो वो कंप्यूटर अपना एक रिस्टोर पॉइंट बना लेता है वहाँ पर और फिर आगे काम करना शुरू कर देता है फिर जैसे ही कंप्यूटर आगे चल कर के कुछ दिन के बाद कुछ गड़बड़ होता है और अगर हम फिर से रिस्टोर पॉइंट पे क्लिक कर देते हैं तो वो अपने उसी बैकडेट वाले रिस्टोर पॉइंट पर एडजस्ट करके और कंप्यूटर को उसी स्टेट में वापस ले आता है और बाकी जो भी चेंजेज उसके बाद जो हुए हैं उन सारे चेंजेजों को हटा देता है ठीक है तो रिस्टोर पॉइंट कैसे क्रिएट किया जाता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि स्टेप है उसके लिए कि सबसे पहले हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद हम लोग जो है सो माय कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे ठीक है इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे ठीक है क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज़ पर जब हम लोग क्लिक करेंगे इस डायलॉग बॉक्स में ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुलता है यहाँ पे प्रॉपर्टीज विंडो आपका डायलॉग बॉक्स में लास्ट में है इस पर क्लिक करने से हम लोगों को एक कंट्रोल पैनल का विंडो दिखाई देता है और इस विंडो का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि यहाँ पर हम लोगों को इस विंडो में क्या करना है सबसे पहले यहाँ पर सिस्टम रिस्टोर सिस्टम प्रोटेक्शन पे जाके क्लिक करना है सिस्टम प्रोटेक्शन पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम लोगों को सिस्टम प्रोटेक्शन टैब यहाँ पे दिखाई देता है इस पर टैब पे क्लिक करना है और फिर रिस्टोर यहाँ पे क्रिएट कर देना है रिस्टोर पॉइंट हम लोग जैसे कि अभी हम बताएं कि हम लोगों को रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करना पड़ता है तो यहाँ पर हम लोग जा के रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करते हैं ठीक है तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं हम लोग विल डू द रेस्ट ऑफ द वर्क टू आई मीन इन द नेक्स्ट क्लास बाय द टाइम यू प्लीज रिवाइज ऑल दिस थिंग्स एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू अपलोड योर एक्सरसाइज दैट आई हैव प्रोवाइडेड इन योर प्रीवियस क्लास ठीक है आप देख सकते हो कि आपको हमने पी डी एफ फाइल में वेबसाइट पर एक्सरसाइज अपलोड किया है अभी तक सिर्फ दो या एक बच्चे दो या तीन बच्चों ने ही हमें एक्सरसाइजेस uh, कम्प्लीट करके भेजा है आप लोग प्लीज़ इसको सीरियसली लें और एक्सरसाइज कम्प्लीट करके भेजें